अभी है ना मेरे सामने यहाँ पर टोयोटा दिख रहा है, टोयोटा के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ हमें देखने को मिलने वाली है, नई उनकी कौन सी कॉन्सेप्ट कार है। टोयोटा ने भी यहाँ पर कहीं कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने अपनी भाई अपनी जो है हाइड्रोजन वाली करोला क्रॉस निकाल दी है। जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी भाई काफी देखने में जबरदस्त लग रही है और काफी है ना भाई साइज, मतलब काफी बड़ा है इसका, मैं क्या कहूँ आपको, क्रेटा से भी लंबी है भाई ये गाड़ी। कैमरे में आपको देखने में जस्टिस नहीं हो रहा होगा लेकिन भाई गाड़ी काफी जबरदस्त है। और टायर प्रोफाइल की बात करी जाए इसकी तो भाई टायर सेक्शन जो आपको इसमें देखने को मिलेगा वो भाई मिलेगा 17 इंची के आपको स्टील रिम देखने को मिल रहे हैं और ये हाइड्रोजन फ्यूल वाली गाड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर S2 बैजिंग दे रखी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी टोयोटा की मिराई, जैसा कि ये ब्लू लोगो रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये एक हाइब्रिड कार रहने वाली है और भाई आगे से काफी अट्रैक्टिव लुक इसका देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो हेडलैम्प्स भाई काफी, मतलब ड्यूल प्रोजेक्टर इसमें दे रखा है और LED पूरा सेटअप दे रखा है। शायद से भाई ये इंडिकेटर है लेकिन अभी गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे और साथ ही में फ्रंट पार्किंग एक कैमरा भी देखने को मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। और बोनट की बात करें तो भाई काफी ह्यूज है और साथ ही में आप देखोगे ना रूफ ब्लैक कर रखी है और ग्लॉस ब्लॉक में भाई काफी जबरदस्त लग रही है देखने में। एक बार साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड से गाड़ी कैसी लगती है देखने में, टोयोटा की है मिराई। यहाँ से आपको सब पता लग जाएगा कि भाई कितना लंबा इस गाड़ी का बोनट दे रखा है टोयोटा ने और साथ ही में व्हील बेस भी भाई काफी बड़ा है। एक फ्रेम में तो आ भी नहीं रही भाई, 0.5 करना पड़ रहा है इसके लिए, बाकी 1x पे भाई गाड़ी ऐसी देखने को लग रही है। और ग्लास की बात करें ना भाई इसमें देखो 1, 2, 3, 4 ग्लास भाई एक साइड में दे रखे हैं टोयोटा ने और इसमें शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल, इसमें शार्क फिन एंटीना भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में भाई ऊपर सनरूफ भी दे रखी है जो कि पैनारोमिक रहने वाली है। और एक बार रियर प्रोफाइल की बात करें, इसमें रियर प्रोफाइल से पहले टायर की बात कर लेते हैं भाई। इसमें है ना आपको 235/55R19 के टायर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि भाई काफी जबरदस्त लग रहे हैं देखने में। और जो है ना ये डायमंड कट बनाने की कोशिश करी लेकिन भाई ये आई डोंट थिंक सो कि ये डायमंड कट है, डायमंड कट है ही नहीं भाई, ये देखो ना स्पोक व्हील्स हैं नॉर्मल। रियर प्रोफाइल की बात करो तो पीछे से मिराई भाई ऐसी देखने को मिलने वाली है आपको, जिसमें भाई कनेक्टिंग LED आपको देखने को मिलने वाली है और काफी जबरदस्त है। साथ ही में नीचे आप देखोगे ना यहाँ पर भाई आपको एक स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाएगा और हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये भाई फॉग लैंप है, रियर फॉग लैंप। साथ ही में यहाँ पर फ्यूल सेल की बैजिंग देखने को मिल जाती है, ये शायद से भाई पता नहीं क्या है लेकिन टोयोटा मिराई की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी में आपको भाई पीछे यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे और भाई इसमें कहीं भी आपको जो है ना साइलेंसर नहीं देखने को मिल रहा, तो उसके लिए भाई माफी चाहता हूँ, इससे नीचे मैं नहीं झुक सकता। यहाँ पर भाई नॉर्मल टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाइलाइटर खड़ी हुई है जिसका भाई बनाने का कोई सेंस नहीं है। आपको अगर वीडियो देखनी है ना तो भाई मेरे चैनल पर यहाँ पर देख सकते हो आप, आई बटन में लिंक डाल दूंगा, कंप्लीट रिव्यू मैंने इस गाड़ी का करा हुआ है तो आप वहां पर देख सकते हो। टोयोटा ने अपनी करोला अल्टिस को भी नहीं छोड़ा भाई, यहाँ पर भी है ना ये मोटर शो में प्रेजेंट करी गई है। साथ ही में भाई इसमें भी है ना फ्लेक्स फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी तो आई चुकी है, जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हो, इसके अंदर भी है ना फ्लेक्स फ्यूल वाली टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि भाई एक है ना एथेनॉल बेस्ड कार रहेगी जिसमें कि आप 85% तक एथेनॉल डालकर उसे चला सकते हो और अपने फ्यूल के प्राइस इसको कर सकते हो कम। भाई यहाँ पर खड़ा है हम सबका प्यार, इंडिया का प्यार फॉर्च्यूनर लेजेंडर, फॉर्च्यूनर बोलो इसे चाहे लेजेंडर बोलो दोनों भाई एक ही बात है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं, फॉर्च्यूनर को भाई चाहे लेजेंडर को, क्योंकि भाई फॉर्च्यूनर वो रही लेजेंडर ये रही, दोनों का भाई साइज वगैरह सब कुछ सेम है, बस भाई कुछ छोटे से कॉस्मेटिक चेंजेस करके टोयोटा ने दोनों अलग गाड़ियां बना दी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। और उधर चल के देखते हैं वहां पर खड़ी है भाई LC 300, तो वहां जाके देखते हैं अभी एक बार। भाई यहाँ पर टोयोटा ने प्रेजेंट कर रखे भाई अपनी लैंड क्रूजर। अब भाई LC 300 है तो इसको है ना एक बार मैं ना एक फ्रेम में ले ही नहीं सकता भाई, आगे से इतनी मैसिव है क्या बताऊं। ये 1x पे करा मैंने और आप देख सकते हो गाड़ी कट चुकी है और जो है ना 0.5 में आप इसे देख सकते हो। साथ ही में भाई गाड़ी में फीचर्स तो सारे देखने को मिल ही जाते हैं और इसके एक बार साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में आके बताता हूँ मैं क्या क्या है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 20 इंची के अलॉय व्हील्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं जिनकी प्रोफाइल रहेगी 265/55R20। और इसमें भाई जो है ना गाड़ी भाई इतनी मैसिव है एक फ्रेम में भाई आ ही नहीं रही है, इसको है ना 0.5 पर ही दिखाना पड़ेगा। और साथ में एक बार आपको इंटीरियर भी दिखा देते हैं, जैसा कि डोर खुला हुआ है। बेसिकली दिस इज द इंटीरियर ऑफ LC 300 टोयोटा लैंड क्रूजर भाई, जिस जो मतलब नाम ही काफी है भाई कुल मिला के। अंदर से आप देखो पूरी लग्जरी फील के साथ आपको ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज मिल रही है और गाड़ी इतनी बड़ी है भाई क्या बताऊं आपको। रियर वाले
जो पैसेंजर्स है ना उनके लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भाई आईपैड वगैरह फिक्स करके दे रही है कंपनी, आईपैड है या नॉर्मल स्क्रीन है आई डोंट नो, बट भाई गाड़ी देखने में एकदम सुपीरियर लग रही है। तो भाई जैसा कि एक 5 सीटर कार है तो आपको इसमें है ना गाड़ी भी इतनी बड़ी है भाई, फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है, और साथ में है ना यहाँ पर आपको इसका मैसिव बूट देखने को मिल जाता है। और पीछे की भी बात करें तो भाई 4 पॉइंट के रिवर्स पार्किंग सेंसर और बेसिक फीचर्स तो आपको इसमें देखने को मिल ही जाते हैं। और एक बार चलते हैं उधर हाईलक्स की तरफ, उसमें देखते हैं भाई क्या क्या इन्होंने मॉडिफिकेशंस कर रखी है। फुल्ली मॉडिफाइड हाईलक्स वहां पे खड़ी है, यहाँ हमारे सामने खड़ी हुई है टोयोटा की हाईलक्स। अब भाई गाड़ी इतनी मैसिव लग रही है देखने में क्योंकि भाई इसको है ना इतना काफी ज्यादा लिफ्ट किट वगैरह लगाकर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मॉडिफाई कर दिया गया है बड़े बड़े टायर्स के साथ, और गाड़ी काफी जबरदस्त होगी भाई। इसमें है ना 80 टायर्स तो ऑलरेडी कंपनी देती है या फिर HT देती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन भाई यहाँ पर है ना RT टायर्स लगा रखे हैं। ये रफ एंड टफ टेरियन है भाई मेरे हिसाब से, और गाड़ी में भाई इतनी जबरदस्त मॉडिफिकेशन है, साथ ही में 2 स्टेपनी भी पीछे आपको देखने को मिल जाती है, ऊपर कैरियर देखने को मिल जाएगा। और एक बार फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं क्योंकि भाई मेरे को नजर आ रहा है वहां पर ऑफ रोडिंग बम्पर भी इस गाड़ी में जो है लगा हुआ है। भाई यहाँ देख सकते हो आप, ये है भाई हाईलक्स का फ्रंट लुक। फ्रंट लुक में भाई यहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ रोड कॉन्सेप्ट निकाला है टोयोटा ने, लेकिन भाई आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये गाड़ी अगर हम रोड पे लेके जाएंगे ना तो पुलिस वाले इंडिया में रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। लेकिन भाई लाइटें भरपूर है इस गाड़ी में, इस गाड़ी के अंदर भाई लाइटें भरपूर है और साथ ही में स्नॉकल वगैरह लगा रखा है, तो आप गाड़ी को पानी में भी लेके जाओगे ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और लिफ्ट किट वगैरह लगा के भाई गाड़ी को इतना उठा दिया गया है ना, ये गाड़ी भाई नीचे से तो लगने ही नहीं वाली कहीं पर भी। बाकी भाई जो लगा देगा ना विंच वगैरह भी इसमें पूरा ऐड कर रखा है। ये मॉडिफिकेशंस तो खैर इलीगल है, लेकिन है ना टोयोटा शायद से ये मॉडिफिकेशंस खुद अपनी गाड़ियों में देगा, लेकिन कैसे देगा भाई आई डोंट नो, क्योंकि भाई इंडियन रूल्स के हिसाब से आगे आप है ना लोहे का बम्पर यूज नहीं कर सकते और एयर बैग्स इसमें डिप्लॉय होंगे ही नहीं गाड़ी के अंदर। और आप ORVM भी देख सकते हो, एक्सटेंड होने वाले ORVMs इसमें लगे हुए हैं जिनको आप है ना इस तरीके से अंदर दबा के और बिल्कुल नॉर्मल कार की तरह भी बना सकते हो, मतलब चौड़ी गाड़ी को पतला कर सकते हो, बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है। हाँ टोयोटा ने प्रेजेंट कर रखी है अपनी ग्लैंजा। अब भाई ये पूरी गाड़ी है ना मॉडिफाई कर रखी है, साथ ही में आप देख सकते हो इसके ब्लैक डोर हैंडल्स कर रखे हैं, साथ ही में छत भी ब्लैक कर रखी है पूरी। भाई एक बात बताऊं, ये इलीगल मॉडिफिकेशन है, छत ब्लैक करने पर चालान कट जाता है, लेकिन भाई गवर्नमेंट पता नहीं कैसे अलाउ कर देती है इनको मोटर शो में आने के लिए। और साथ ही में यहाँ पर आप देखोगे ना 17 इंची के अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं जो भाई काफी जबरदस्त लग रहे हैं, हालांकि गाड़ी मॉडिफिकेशंस में कहीं भी कम नहीं है, जबरदस्त लग रही है देखने में। एक बार है ना रियर प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, गाड़ी के रियर से देखते हैं कैसी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें है ना स्पॉइलर वगैरह लगा हुआ है, तो पीछे चल के देखते हैं वहां से ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो नॉर्मल ग्लैंजा तो आप देख ही रहे हो, लेकिन भाई इसके अंदर काफी सारे मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं, जैसा कि प्रॉपर कार्बन फाइबर में इसको जो है लगा रखा है कुछ एलिमेंट्स को, और ग्लैंजा और वी यानी टॉप एंड वेरिएंट की बैजिंग तो आपको देखने को मिल जाएगी। और भाई ये स्पॉइलर काफी जबरदस्त लग रहा है देखने में, पीछे से है ना ऐसी मतलब विंग्स टाइप में देखने को मिल रहा है, और बॉडी किट इसके अंदर जो है ये कार्बन फाइबर वाली लगी हुई है। अब ये एग्जॉस्ट भाई वर्किंग है या नहीं है आई डोंट नो। यहाँ पर टोयोटा ने अपनी कॉन्सेप्ट कार भी लॉन्च कर दी है, जिसका मतलब कॉन्सेप्ट कार है अभी लॉन्च नहीं हुई फिलहाल, ये BZ4X जो है मैं देख पा रहा हूँ। सामने से फ्रंट लुक तो भाई आप देख ही रहे हो गाड़ी का, साथ में है ना साइड लुक भी आपको देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर है ना वॉक इन एरिया BVV की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी जो व्हीलचेयर लिंक्ड रहेगी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए। और इसको एक बार रियर लुक मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के रियर लुक की बात करें तो रियर से भाई गाड़ी काफी अट्रैक्टिव लगती है देखने में, क्योंकि भाई इसमें कनेक्टिंग LED देखने को मिल जाती है, और साथ ही में भाई ये देख पा रहे हो ऑल व्हील ड्राइव भी गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा, और 4 पॉइंट के रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में भाई स्पॉइलर काफी अट्रैक्टिव है, इसका बीच से खाली खाली है भाई, साइडों से काफी जबरदस्त है, और कॉन्सेप्ट कार है तो भाई इंडिया में कब तक आएगी कुछ नहीं पता, लेकिन भाई गाड़ी एक नंबर की जबरदस्त है। भाई यहाँ पर है ना इनोवा हाई क्रॉस भी जो है निकाल रखी है, मोटर शो में प्रेजेंट करी हुई है, साथ ही में भाई ये भी इनोवा हाई क्रॉस है, मतलब 3 वेरिएंट खड़ी कर रखे हैं, तीनों इनोवा हाई क्रॉस है यहाँ पर, तो इनका डिटेल्ड रिव्यू जो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, लेकिन भाई यहाँ पर तो अभी बहुत भीड़ हो रही है तो शूट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। यहाँ पर भाई टोयोटा की वेलफायर भी है जो कि भाई एक वैन क्लास की कार है, जो कि भाई मर्सिडीज से टक्कर लेती है वी क्लास से, वो तो खैर अभी जा चुकी मार्केट से, लेकिन भाई गाड़ी काफी जबरदस्त है, लेकिन ओवर प्राइस है, 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, और इसका भी एक कंप्लीट रिव्यू जो है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। यहाँ पर भाई कैमरी भी खड़ी हुई है टोयोटा की, गाड़ी भाई काफी जबरदस्त है देखने में, टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड में आपको देखने को मिलती है, इसका भी कंप्लीट रिव्यू लेंगे किसी दिन।
ये है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पूरा डिस्क्राइब करा गया है कि गाड़ी भाई किस तरीके की होने वाली है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेस है। फ्लैट फ्लोर दे रखा है गाड़ी में, HEV बैटरी जो है सीट के नीचे दे रखी है, और एयरबैग वगैरह, TSS कैमरा, भाई जो भी यहाँ पे ना पॉज करके देख लो वीडियो में। और बाकी चलते हैं उधर की साइड, पीछे से देखने में कुछ ऐसी लगती है आधी कटी हुई इनोवा हाई क्रॉस। टाटा ने भी यहाँ पर अपनी ईवी मैक्स प्रेजेंट करी हुई है, साथ ही में भाई ये टाटा ने अपना ACEV प्रेजेंट करा हुआ है जो कि भाई इलेक्ट्रिकल है और ना साथ में टेम्पो का काम तो करता ही है। आप देख सकते हो छोटा हाथी जिसे बोलते हैं, काफी फेमस है भाई यहाँ पर, है ना, ये सब टेम्पो वगैरह निकाल रखे हैं जो कि भाई ईवी में रहने वाले हैं। और इधर है ना बस दिख रही है हमें, तो एक बार बस में बैठने चलते हैं। ये सामने खड़ी है आईसर की एक बस। अब बस भाई ये प्रॉपर इलेक्ट्रिक रहने वाली है, जीरो एमिशन वाली है, तो एक बार अंदर भी चल के देख लेते हैं बस कैसी रहने वाली है देखने में। तो भाई अंदर आ चुके हैं, यहाँ कॉकपिट पे जो है ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, और है ना पीछे आप देख सकते हो काफी ह्यूज जो है इसका स्पेस है, सीटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा है बस की। और ऊपर भी यहाँ आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। इमरजेंसी एग्जिट के लिए भाई यहाँ पर आपको ब्रेक करना पड़ेगा ग्लास। तो देखते हैं और कौन कौन सी गाड़ियां यहाँ पर मोटर शो में प्रेजेंट करी हुई है। PS ने भी भाई यहाँ पर अपना iQube दिखा रखा है। भाई यहाँ पर जुपिटर के नाम से है ना कार्गो व्हीकल्स निकाल रखे हैं, ये जुपिटर कंपनी है। एक थी में भाई यहाँ पर आइसर का एक ट्रक खड़ा हुआ है जो कि भाई काफी बड़ा लग रहा है देखने में, और प्रॉपर है ना ये CNG है। भाई आइसर ने यहाँ पर अपनी बस भी प्रेजेंट कर रही हुई है, ऐसा भाई एक छोटा सा कैंटर टाइप का भी इन्होंने जो है हाइड्रोजन वाला इसमें फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी दे रखी है, वो यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट करा हुआ है। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो वोल्वो की 9600 भाई बस, आप देख सकते हो कितनी ह्यूज है। अब भाई ये एक फ्रेम में तो आ भी नहीं रही, तो मैं आपको एक बार पीछे दिखाता हूँ, इतनी लंबी बस है भाई, जबरदस्त। मतलब 9400 तो अभी रोड पे चली रही है, 9600 भी जब लॉन्च होगी ना तो भाई काफी जबरदस्त ये रहने वाली है। और ऐसा कुछ है ना वासुदेव कुटुंबकम जो है भारत का मिशन चला रखा है, कोई G2 वाला जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है वो इसमें आने वाली है नो डाउट। भाई कुछ विंटेज कार्स भी यहाँ पर प्रेजेंट करी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो नेताओं की शान अम्बेसडर यहाँ पर प्रेजेंट करी हुई है, काफी पुरानी गाड़ी है। और साथ ही में भाई ये भी गाड़ी जो है काफी जबरदस्त लग रही है, एक मसल कार लग रही है देखने में, ये भी भाई अच्छी लग रही है। भाई जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये भाई है Porsche की विंटेज कार जो भाई काफी जबरदस्त लग रही है देखने में, और है ना इनको वेल मेंटेन्ड करा गया है। अभी तक गाड़ी पे भाई मेरे को एक डेंट या स्क्रैच नहीं देखने को मिल रही, और हो सकता है भाई इसे रिस्टोर करा गया हो। कैडिलैक भाई गाड़ी का नाम है इसका, और साथ ही में आप देख सकते हो कितनी लंबी गाड़ी है भाई, जबरदस्त भाई। तो आप गरारियों को जोड़ जोड़ के ना यहाँ पर एक गाड़ी बना रखी है, प्रॉपर कार की शेप दे रखी है इसे, मतलब पूरी मेटल की है। आप देख सकते हो एम्बुलेंस वगैरह प्रेजेंट करी हुई है, अशोक लेलैंड का स्टॉल है ये बेसिकली। तो यहाँ तो भाई देखो हम है ना कार एंथुजियास्ट है, हम है ना ये बस ट्रक वाले नहीं है भाई। और कोई गाड़ी दिखती है वो दिखाता हूँ भाई मैं, यहाँ लिखा हुआ है कोई मंजिल दूर नहीं है, तो चलते हैं भाई कितनी दूर है मंजिल अब जाके देखते हैं। तो भाई ये है ना विंटेज कार जो है खड़ी कर रखी है, अब भाई गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल रखी है कि भाई 15 साल से नीचे की गाड़ियां जो है आप चला नहीं सकते, ऊपर की गाड़ियां, तो भाई जो गाड़ी रोड पे नहीं उसका कोई काम नहीं, इसको रखते हैं साइड में, चलते हैं कहीं और कोई नई गाड़ी देखने। तो भाई ये मेरे सामने खड़ी हुई है टियागो की ईवी। अब भाई ईवी वेरिएंट है तो इसका मतलब इसमें जो है ना इंजन नहीं देखने को मिलता है। भाई ये ईवी का ना मैं आपको बाहर से एक बार ओनरशिप मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ। ईवी में भाई आपको आगे ना ये ब्लू एलिमेंट देखने को मिल जाता है, और ये .ev है, टियागो .ev वेबसाइट नहीं है लेकिन ये भाई ईवी है ऐसी। नीचे आपको DRL और फॉग लैम्प देखने को मिल जाएंगे, और ड्यूल मतलब दो इसमें रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर दोनों आपको हेडलाइट में जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन साथ में यहाँ बात करें भाई तो 175/65 R14 के आपको व्हील्स देखने को मिल जाएंगे जो कि भाई प्लास्टिक वाले हैं, व्हील कवर से स्टाइलिश। यहाँ पर आपको ईवी की बैजिंग मिल जाएगी, क्लॉस में भाई आपको जो है इसके डोर हैंडल्स मतलब ORVMs देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अंदर से बात करें तो भाई पूरी है ना टिगोर की तरह देखने को मिलने वाली है आपको, साथ ही में गाड़ी लॉक है तो अंदर नहीं जा सकते। ऊपर छत की बात करें तो भाई रूफ आ रही है ऑल ब्लैक, और एक बार पीछे की बात करें सब कुछ लॉक है भाई। अभी पीछे आपको भाई इसमें है ना रियर वाइपर, डिफोगर और साथ ही में कैमरा वगैरह सब मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहे जो कि मेरे को भी अंदाजा लग रहा है, बाकी टेल लैंप्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है भाई। और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि भाई आपको आगे नहीं मिलता लेकिन ड्राइवर साइड शायद से देखने को मिल जाए, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ भाई आपको ड्राइवर साइड है ना रिक्वेस्ट सेंसर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। तो भाई ऐसी ही थी
कैसी लगी आपको टियागो की ईवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर है ना हैरियर ईवी जो है प्रेजेंट करी हुई है ऑटो एक्सपो मोटर शो में, जैसा कि आप देख सकते हो कंप्लीट है ना हैरियर है और ये साथ में आगे लाइट जैसे आप देख रहे हो ना ब्लिंक कर रही है, ये एक्चुअल में कर रही है भाई। भाई टाटा ने यहाँ पर अपनी कॉन्सेप्ट कार भी जो है दिखा रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो है ना गाड़ी आगे से देखने में पूरी बंद बंद ग्रिल देखने मिलने वाली है, और भाई पीछे से ये बात करें तो ज्यादा बड़ी गाड़ी है नहीं देखने में भाई, छोटी डिफेंडर कह लो जो मर्जी कह लो, लेकिन भाई डिफेंडर से तो कहीं कम्पीट करेगी। इसका नाम है भाई टाटा की सीरा। अब ये कब तक आती है कब तक नहीं आती भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना लिख के जैसा आपका ओपिनियन हो। भाई टाटा ने यहाँ पर है ना अपनी कार प्रेजेंट कर रखी है ऑटो एक्सपो में, और जो कि भाई देखने में काफी एक बल्की सी लग रही है, लेकिन भाई ये भी एक कंसेप्ट कार ही कहूंगा मैं, क्योंकि आने में कब आएगी नहीं आएगी वो नहीं पता भाई, क्योंकि R20 इंच के इसमें अलॉय व्हील्स रखे हैं और साथ ही में कंप्लीट ये भी है ना भाई ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, लेकिन भाई गाड़ी इंडिया के अंदर कब आएगी कोई पता नहीं है। हालांकि स्टेयरिंग इसका राइट में ही है, बन के रेडी हो चुकी है गाड़ी जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, लेकिन आएगी कब ये भाई बिल्कुल नहीं पता। तो भाई इंतजार का वक्त हुआ खत्म, पंच में आ गई है भाई CNG ICNG टेक्नोलॉजी टाटा ने जो है पंच के अंदर और साथ ही के साथ भाई एल्ट्रोज के अंदर दोनों के अंदर भाई दे दिया है, और इसके अंदर ना 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है जिसको भाई CNG के 60 लीटर की कैपेसिटी है, और लेकिन इसके अंदर नॉर्मल सिलेंडर नहीं यूज करा गया है, इसके अंदर टाटा ने करी है ट्विन सिलेंडर वाली टेक्नोलॉजी यूज। जैसा कि मैं आपको एक बार बूट की तरफ ले जाता हूं और दिखाता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो ये इंडिया फर्स्ट ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी है, और बूट में देखो भाई कितना स्पेस है। बूट के अंदर भाई स्पेस ही स्पेस है, क्योंकि भाई CNG के है ना सिलेंडर्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज करे गए हैं जिससे कि भाई स्पेस जो है बच जाए, और है ना मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ किस तरीके के अल्ट्रोस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और भाई साथ ही के साथ है ना अब इधर आ जाते हैं। ये हो गया भाई पंच का, पंच में भी भाई सेम टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज करी गई है पंच में और एल्ट्रोस में दोनों में, तो यहाँ पर भी जो है इसमें काफी सारा बूट स्पेस बचा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दोनों ही CNG सिलेंडर्स देखने को मिल रहे हैं, और ये 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी के साथ आते हैं। एक नया इनोवेशन आया है CNG की लाइन में, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ MG ने प्रेजेंट कर रखी है अपनी MG4, ये बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन भाई इंडिया में कब तक आएगी ये इसका किसी को नहीं पता। ऑटो एक्सपो में भाई कई कंपनियों ने अपनी अपनी ऐसी ऐसी गाड़ियां निकाली है ना जिनका भाई कुछ नहीं पता इंडिया में आएंगी भी या नहीं आएंगी या फ्लॉप हो जाएंगी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी साइड प्रोफाइल में आपको एक बार दिखा देता हूँ, साइड से भाई गाड़ी ऐसी लगने वाली है, और रियर प्रोफाइल भी एक बार दिखा देता हूँ। रियर से गाड़ी भाई काफी आई कैची देखने को मिलने वाली है, हालांकि इसके अंदर स्पॉइलर है ना ऊपर से हटा के नीचे लगा दिया गया, और कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा है ना इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करी है MG ने तो भाई यहाँ पर बवाल मचा दिया, एक से एक है ना कॉन्सेप्ट कार्स निकाल रखी है। ये देखो भाई ये इलेक्ट्रिक के अंदर स्पोर्ट्स कार निकाल दी, और पीछे से देखो एक बार स्पॉइलर इसका भाई कितना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है देखने में ना, ऐसा लग रहा है मर्सिडीज की कोई AMG सीरीज हो, लेकिन भाई ये इलेक्ट्रिक है इसके अंदर इंजन ही नहीं आता। और यहाँ पर जो है मीफा 9 के नाम से जो है मॉरिस गैरेजेस ने अपनी गाड़ी निकाली है, मीफा कहना तो ऐसे गलत होगा भाई, इसको माफिया ही बोलेंगे, प्रॉपर माफिया लुक दे रही है। साथ ही में है ना अगर ओमनी नहीं आती पहले तो किडनैपिंग वाली गाड़ी यही होती। और इंटीरियर की बात करें तो अंदर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है, अभी इंडिया के अंदर आई नहीं है, कोई नहीं पता कुछ नहीं पता कब तक आएगी, एक बार टायर साइज और देख लेते हैं और फ्रंट लुक देख लेते हैं। टायर साइज की बात करें तो 17 इंची के अलॉय व्हील्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, और फ्रंट लुक में आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो गाड़ी इतनी ह्यूज है ना एक फ्रेम के अंदर आ ही नहीं रही है, 0.5 में देखो भाई गाड़ी की क्या लुक निकल के आ रही है, जबरदस्त भाई प्रॉपर माफिया लुक है, इसे माफिया लिख देना चाहिए था। MG ने तो भाई यहाँ पर बवाल मचा दिया, घनी बढ़िया थीम लगा रखी है, लगा लो बॉर्न इन UK लिख दिया, क्योंकि भाई सब कहते हैं चाइनीज है चाइनीज है, ये भाई पैदा UK में हुई फिर चाइना चली गई। MG ने भाई देखो अपनी कौन सी गाड़ी निकाल रखी है, बिल्कुल पॉकेट कार सी लग रही है छोटी सी, इसके अंदर 2-सीटर गाड़ी है, मतलब दो ही बंदे बैठ सकते हैं इसके अंदर, और गाड़ी का नाम है मिजेट। एक बार साइड प्रोफाइल देख लेते हैं उसकी, फ्रंट से देख लेते हैं, काफी आई कैची कार है ये, तो भाई काफी छोटी सी है ना, 13 इंची के इसमें रिम्स आ रहे हैं तिल्ली वाले, और मतलब पुराने टाइम की रेसिंग कार कह लो इसे, स्पोर्ट्स कार है, 2-सीटर है, अंदर से आप देख सकते हो कैसी है गाड़ी का फ्रंट लुक भी आप देख सकते हो कैसा लग रहा है देखने के लिए। इसमें भाई अलग से है ना मतलब जाली के लिए भी प्रोटेक्शन लगा रखी है, हालांकि ये गाड़ी रोड पे नहीं चलती, ये सिर्फ जो है ना दिखाने के लिए लगाई है, डिस्प्ले प्रोडक्ट है। तो भाई जैसा कि हम अंदर गए और हमने देखा कौन कौन सी गाड़ियां एक्सपो के अंदर अवेलेबल है, तो कैसी लगी आपको ये सारी गाड़ियां कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।